नमस्कार, केपी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अश्विनी। आइए एक नज़र केपी एक्सप्रेस में देश और दुनिया की सुर्खियों पर डालते हैं। कर्नाटक में नई रोजगार नीति तैयार, सीएम बोम्मई ने कहा। बेंगलुरु, सरकार ने चालघाट में जमीनी स्तर पर मेट्रो डिपो बनाने की योजना को रद्द कर दिया। बेंगलुरु एनसीबी ने ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया, 1.5 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त। कोविड के दौरान सामाजिक क्षेत्र के संगठनों को उपलब्ध फंडिंग में उल्लेखनीय कमी, अध्ययन में उजागर। मौसम की मार से बेंगलुरु हवाई अड्डे का कामकाज प्रभावित। कर्नाटका का धर्मांतरण विरोधी बिल उत्तर प्रदेश गुजरात के समान, सिद्धरामैया। धर्मांतरण विरोधी विधेयक बीएसवाई के तहत 12 में आकार लिया, कम सख्त था। कर्नाटका में निहाई पर नई रोजगार नीति, सीएम बोम्मई ने कहा। जीएसटी दर पर बोम्मई के नेतृत्व वाला मंत्री समूह फरवरी तक रिपोर्ट सौंप सकता है। कर्नाटक में 12 नए ओमिक्रॉन मामलों का पता चला, कुल संख्या 32 पर टैली। चिकबल्लापुरा में एक और भूकंप, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। कर्नाटक ने 1 जनवरी से एविएशन टरबाइन फ्यूल पर टैक्स घटाया। आदित्य ठाकरे को धमकी देने वाला शख्स बेंगलुरु में गिरफ्तार। कर्नाटक में 12 नए ओमिक्रॉन मामले सामने आए। महाराष्ट्र विधानसभा में उठा कर्नाटक के सीएम का बयान। बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समन्वित प्रयासों से यात्री को अपना बटवा वापस पाने में मदद मिली। कर्नाटक में दहेज, बच्चियों के जन्म, 3 तलाक के मामले अधिक देखे जा रहे हैं। बेंगलुरु हाईकोर्ट, डेंसिटी कॉरिडोर परियोजना के लिए नए सिरे से टेंडर, कर्नाटक सीएम बोम्मई ने बताया। आस्था, इतिहास और राष्ट्रवाद, धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर बहस के कई पहलू। धर्मांतरण विरोधी विधेयक पर सिद्धरामैया ने भाजपा को दिया जवाब। केपी एक्सप्रेस में अब तक इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज़ ताज़ा खबरों के लिए। धन्यवाद।